रक्षाबंधन का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बाजारों में अच्छी खासी खरीदारी देखी गई। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का यह त्यौहार हर वर्ष सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उसके खुशहाल जीवन और लंबी आयु की दुआ करती है, तो वहीं भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। पूरे देश के साथ ही कोलकाता के बाजारों में भी अच्छी रौनक देखी गई और बहनें एक से बढ़कर एक राखी अपने भाई के लिए खरीदती दिखाई दी। समय के साथ राखी के रंग रूप आकार में भी परिवर्तन आया है और ये रेशम का धागा कई प्रकार के आधुनिकता में ढल गया है, लेकिन फिर भी इसकी भावना में कोई कमी नहीं दिखाई देती। बहुत ही शौक से भाई बहन इस त्योहार को मनाते हैं। रक्षाबंधन मनाने से जुड़े कई ऐतिहासिक किंवदंतियां हैं, जिसमें महाभारत से जुड़ा भी एक किंवदंति है, जिसमें जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से गलती से कट जाती है, तब द्रौपदी उनके उंगलियों से बहती खून की धारा को रोकने के लिए अपनी साड़ी के कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर चोट पर बांध देती है और तब कृष्ण द्रौपदी को वचन देते हैं कि वे असहाय स्थिति में उसकी मदद करेंगे और द्रौपदी के चिरहरण के समय कृष्ण ने उनकी मदद कर अपना वचन निभाया था। रक्षाबंधन का त्यौहार इसलिए भी मनाया जाता है। एक और ऐतिहासिक कहानी रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। इसके बाद से इस त्यौहार को मनाने की परंपरा शुरू हुई। रानी ने मुगल सम्राट को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई थी। जिस मान्यता या किंवदंति कुछ भी हो, लेकिन ये त्यौहार सदियों से भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता रहा है और मनाया जाता रहेगा।